भैया चाय बना रहे हो? खाने के लिए कुछ है? क्या है? पराठा होगी। और क्या है? मैगी होगी, पराठा। मैगी और पराठा। अच्छा चलो, कितनी चाय बोली है? तीन है। बोली भी रहा आप ही मेरे भैया, बढ़िया सी बनाना, ठीक है, कड़क बिल्कुल, ताकि ऊपर तक ना ट्रैक पहुंच जाए, ठीक है। तो चाय पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद निकलेंगे अपना ट्रैक पे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सर बिल्कुल। और यहाँ से रास्ता है पूरा ऊपर त्रियुगी नारायण। गाइज वेलकम बैक टू ट्रिप इन विद वरुण। तो अभी जो है प्लान दोबारा से चेंज हो गया है, प्लान चेंज पे चेंज होते जा रहे हैं। तो फिलहाल पहले हम सोच रहे थे कि हम त्रियुगी नारायण जाएंगे 13 किलोमीटर ट्रैक करके, बट वो हमने जो है आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया है। रीज़न मेन ये भैया हमारे को मिले हैं। भाई भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल चंद्र है। कमल चंद्र जी मिले हैं हमारे को, कहाँ से आ रहे हैं? ऋषिकेश से आ रखे हैं। तो ये भैया ऋषिकेश से जो है सवारी लेकर आ रखे हैं, इनकी सवारी ऊपर केदारनाथ गई है। हाँ जी, केदारनाथ गई है दर्शन करने। तो भैया यहाँ पे थे फ्री, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आप हमारे को ऊपर तक छोड़ दोगे तो विल बी रियली ग्रेटफुल। तो भैया हमारे को वहाँ पे लेके भी जाएंगे और हम थोड़ा वहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और ये भैया हमारे को लेकर भी आएंगे। तो भैया हमारे को मिल गए तो हमारे को चलना नहीं पड़ रहा है फिलहाल, और हमारे को अपनी एनर्जी बचानी भी है, क्योंकि कल अगर हमारा ट्रैक खुल जाता है, रजिस्ट्रेशन अगर हमारा हो जाता है, तो हमें वहाँ पे भी जो है 17-18 किलोमीटर का हमारा ट्रैक है, नीचे रख देना। तो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर त्रियुगी नारायण। तो भैया आपकी वापसी कब की है? मैं बद्रीनाथ जाऊंगा अभी। तो बद्रीनाथ में 2 दिन स्टे करेंगे। आपका 4 धाम का ट्रिप है ना आपका? तो है ना, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले हुए? आपको 8 दिन हो गए आज। अच्छा, मतलब वापसी कब है? कल की बद्रीनाथ के लिए। कल बद्रीनाथ ऋषिकेश को जो वापसी होगी वो 20 को होगी। तो एंजॉय कर रहे हो आप भी? फुल एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है। भैया आप मिल गए तो हमारा टाइम बच गया, पता है। तो आप उसके लिए थैंक यू सो मच, और काफी हमारा समय बच चुका है, उस समय को हम किसी और तरीके से यूटिलाइज करेंगे। बाकी रास्ता देख लो गाइस, ये सामने से व्यू है, और ये पूरा का पूरा राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड जंगल है। तो जितने वहाँ पे मतलब क्राउड था उतने ही शांति है यहाँ पे त्रियुगी नारायण वाले ट्रैक पे। त्रियुगी नारायण में शिव पार्वती की शादी हुई थी। हाँ जी, शिव पार्वती की शादी हुई थी यहाँ पे। और उससे ऊपर जाके एक जो है गौरी माता का मंदिर भी है ना, गौरी गुफा है। हाँ जी, ये केदारनाथ रोड पे है। इसी लाइन पे है वो गुफा ना, गौरी गुफा। गौरी गुफा है। पार्वती माता ने गौरी गुफा में तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे वो गुफा में तपस्या करती थी। अच्छा, तब वहाँ पे एक अभी जैसे कि नीचे पता चला, जहाँ अभी स्नैक्स ले रहे थे, उन्होंने बताया कि एक माता जी रहती है ऋषिकेश की। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे पहले काफी मतलब वो था, कितने लोग जानते नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पे अच्छे ढंग से उसको मेंटेन किया एरिया को। अच्छा, और वो यहाँ पे रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं। अच्छा, उसका देख रेख करती हैं, और जैसी ठंड बढ़ जाती है वो नीचे अपने ऋषिकेश के वक्त पहुँच चली जाती है। अच्छा जी, रास्ते में ही है अभी। भैया चला रहे हैं गाड़ी स्विफ्ट डिजायर,
हमारी गाड़ी खड़ी है सीतापुर में, पार्किंग जो दिखाई थी आपको, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट वहीं लगी हुई है, क्योंकि केदारनाथ में तो जगह ही नहीं है पार्किंग की, और सोनप्रयाग में भी पार्किंग की जगह नहीं है, तो सारी गाड़ियाँ सीतापुर और उससे नीचे लगी हुई हैं। हमारी गाड़ी भी वहीं लगी है, तो हम तो आ गए थे ऊपर सोनप्रयाग, तो अपनी गाड़ी लाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इन भैया ने हमारी हेल्प कर दी है, काफ़ी टाइम हमारा बच चुका है, और अभी हम जा रहे हैं त्रियोगी नारायण। हैंसी भाई मेरे साथ है, भाई ने अपडेट दे दिया कि वहाँ पे क्या हुआ था, बाकी वहाँ पर जाके हम देखेंगे कैसे व्यूज़ हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम एन्जॉइंग इट। बाकी जो हमारी केदारनाथ की यात्रा है, जो हमारे ट्रैक है, उसका अभी हमारे को कुछ नहीं पता क्या प्लान है क्या नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है 30 दिन का हाई अलर्ट भी है, और बारिश की भी संभावना है, और स्नोफॉल की भी संभावना है, तो रजिस्ट्रेशन भी बंद हैं। तो अभी जो फ़िलहाल हमारे पास जो टाइम था, उसका बेस्ट यूज़ हमें करना था, और बेस्ट यूज़ यही है कि त्रियोगी नारायण जाओ और अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करो। बहुत अच्छी जगह है, अमेजिंग जगह है, और जो हेलीपैड मैंने आपको दिखाया था अभी, वो भी जो है त्रियोगी नारायण के रास्ते में ही पड़ता है हेलीपैड। हेलीपैड अगर आप हेलीकॉप्टर से भी जाना चाहोगे ना, तो भी आपको नहीं जा सकते आप, क्योंकि अगले 7 दिन तक हेलीकॉप्टर की पूरी बुकिंग हो रखी है। ये वीडियो जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, आज है अक्टूबर 17th, ये जब देखोगे आप, आई डोंट नो क्या डेट होगी, क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक अ फ्यू डेज फॉर मी टू एडिट दिस एंड पब्लिश दिस वीडियो, बट या इस टाइम पे ज़्यादा जाम इसलिए भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड के रिस्ट्रिक्शंस जो है बिल्कुल हट चुके हैं, सेकेंडली अभी दशहरा था और लॉन्ग वीकेंड है, तो काफ़ी बाहर से लोग आ रखे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, कोलकाता, मतलब ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आ रखी है यहाँ पे। होपफुली रजिस्ट्रेशन हमारी हो जाए, तो होपफुली हम कल अपना ट्रैक कर लेंगे, कर पाए बढ़िया है, नहीं कर पाए तो भी ठीक है, जो भी होगा वी विल एंजॉय द मोमेंट। एंड अभी तक जो है जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही है, प्लान के अकॉर्डिंग कुछ रहा नहीं है, बट स्टिल वी आर एंजॉइंग इट, और आगे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, देखते हैं आगे त्रियोगी नारायण का क्या सीन है। गाड़ी हमारी फंस चुकी है अभी यहाँ पे, और उतरना पड़ गया है, तभी चढ़ेगी ये, नहीं तो चढ़ नहीं पाएगी। और ये देख लो सीन, यहाँ पे पूरा जंगल है लेफ्ट राइट दोनों। आप त्रियोगी नारायण से आ रहे हो? त्रियोगी नारायण क्राउड है वहाँ पे, खाली है बिल्कुल। हाँ जी, केदारनाथ तो बंद कर दिया आज, यात्रा आज बंद कर दी है, क्योंकि अगले 3 दिन के लिए जो है ना हाई अलर्ट है ऊपर, और बारिश और स्नोफॉल दोनों की संभावना है, और अभी शाम को खोलेंगे रजिस्ट्रेशन 6 बजे, उसके बाद कल पॉसिबिलिटी है कि आप यात्रा कर सकते हो। आपने कर ली यात्रा वैसे? अभी नहीं करी है, प्लान है आपका? तो आज नहीं कर पाओगे आप, आज शाम को 6 बजे रजिस्ट्रेशन खुलेगी, बंद कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लो कल। हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन बंद कर दिया, आज बंद कर दिया, 6 बजे खुलेगा वो। भाई क्या मैटर हो गया? देखो भाई पीछे से लेकर आ रहा है गाड़ी, खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो, शाबाश शाबाश, ले लो ले लो ले लो ले लो, धक्का लगाओ जवानो जवानो, शाबाश शाबाश शाबाश, हल्का काटना राइट हल्का, इट्स नॉट इजी गाइस, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब गाड़ी गई है फंस, भैया निकाल नहीं पा रहे हैं, आ जाएगी आगे आ जाएगी। भाई ये रेत में फिसल रही है, इसके लिए ना 2-3 पत्थर लगाने पड़ेंगे सीधे फ्लैट करके, पत्थर से ग्रिप मिलेगी तो एकदम से टप जाएगी। तो गाड़ी अभी कोशिश कर रहे हैं भैया निकालने की, निकाल नहीं पा रहे वो, तो निकलेगी गाड़ी तो निकलेंगे हम भी यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑफ रोडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ तो। फंस गए भाई, देखो कब निकलते हैं, चलो चलते हैं थोड़ी आगे तक, पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ तो, शांति है पूरी, बहुत शांति है यहाँ पे।
चॉपर जा रहा है एक और पूरा। तो ये सीधा जो है केदारनाथ पहुंचाएगा आपको। कमन 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 बढ़िया भाई, खींच ली, खींच गई। बैठो। कहाँ से आ रहे हो भैया? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली से मैं रहता हूँ पलातू कृष्णनगर। हाँ यार अभी नीचे का केदारनाथ का वहाँ बंद हो गया ना। हाँ बंद हो गया, हम भी वहीं से आ रहे हैं। तो मेरा कोई फायदा तो है नहीं, तो इनको त्रिजुगी नारायण दिखा दूँ। दोस्त है आपके? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आकाश। आपका? अखिल। मेरा नाम अजय है। अजय। चलो ओके गाइस, चलिए एंजॉय। सो फाइनली वी हैव रीच्ड त्रिजुगी नारायण। ये है यहाँ का व्यू त्रिजुगी नारायण का। त्रिजुगी नारायण मंदिर गौरी गुफा 1.5 किलोमीटर, व्यू पॉइंट 100 मीटर्स, 2 से 5 मिनट। तो अब यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पाजी निकल की गाड़ी हमारी भी, लेकिन आपने तो एक ही बारी में निकाल दी। कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए? क्या नाम? 15 साल हो गया सर गाड़ी चलाते हैं। क्या नाम है आपका? तेज सिंह। सवारी लेकर आए हो? हाँ। सवारी गई मंदिर मंदिर घूमने के संबंध में घूमोगे? हाँ जी। अब यहाँ आप क्या करोगे? खड़े घूमोगे? हेलो। चलो बढ़िया है, ठीक। थैंक यू जी। मूवी बना ये तो चलती रहती है। ठीक है जी, थैंक यू। हैप्पी जर्नी आप। थैंक यू जी, सेम टू यू। ये गांव है ऊपर? हाँ। कौन सा गांव? ये ऊपर गांव का रास्ता है। ये गांव देख रहा हूँ, ऊपर गांव का क्या सीन है ये देख लो भाई। ये पूरा ऊपर गांव है, लेकिन हम यहाँ जाना नहीं है। पहुंच गए हम त्रियुगी नारायण मंदिर। यहाँ पे मिलती है थालियाँ पूजा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जानता नहीं नानू। अच्छा। दर्शनी देवी है। दर्शनी देवी। ये क्या बना रहे कुकर में आप? क्या बन रहे? दाल। कौन सी दाल? अरहर की दाल। अरहर की दाल। अच्छा, और क्या क्या आइटम है खाने के लिए? सब कुछ है, दाल है, सब्जी है, रोटी है। अच्छा, आप अकेले चलाते हो ये? अकेले चलाते, बच्चे छोटे हैं अभी। कितने साल के बच्चे? बच्चे भी है, स्कूल में रहते हैं अभी बच्चे। स्कूल पढ़ते हैं? अच्छा, तो अभी जो अभी थोड़ा कोविड के बाद माहौल थोड़ा ठीक हुआ, तो आपका काम ठीक होगा? बीच में तो काम आपका बिल्कुल बंद हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल बंद हो गया 2 साल से। तो अब तो आप खुश हो थोड़े कि पब्लिक आ रही है? थोड़ा सा आ रही है पब्लिक, वो कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, अभी भी क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत भीड़ है, जितना पहले आपका नुकसान हुआ है ना, वो सारी भरपाई होगी। अच्छा, बिल्कुल होगी, क्योंकि पब्लिक बहुत आ रही है और रुकेगी नहीं। अब अब आपको दिक्कत मिलने वाली है यहाँ पे? आपकी, लेकिन बीच में तो काम बिल्कुल बंद था ना, कम से कम थोड़ा बहुत आपका गुजारा चलेगा। गुजारा चलेगा ना। ठीक है, अच्छा लगा आंटी बात करके आपसे ना। ये क्या है? ये कद्दू है बेटा। कद्दू? हाँ, लोकल कद्दू है। देख लो गाइस, मैं आंटी देहरादून। देहरादून से? अच्छा, गए हो देहरादून? हाँ। कहाँ पे? 50 बार गए बेटा, आंटी तो बीमारी रहती है। अच्छा। हाँ, आंटी जी तो दवाई खाने जाते देहरादून में। अच्छा, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है आंटी, थैंक यू। थैंक यू। ये आंटी का है रेस्टोरेंट, ये है त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर एंट्री करते ही है। तो यहाँ पे अगर आप खाना घर का खाना खाना चाहे तो खा सकते हो। अभी अरहर की दाल बन रही है और देख के मुझे लग रहा है कि अच्छी होगी, तो आंटी के रेस्टोरेंट में आओ और खाना खा के जाओ। क्यों? देख लो अंदर का सीन। क्या अंकल? बहुत बढ़िया है।
चाय चाय भी मैंने बाहर पी है लेकिन अभी पी लूंगा, कोई बात नहीं आती है ना, अंदर से हुआ फिर पी लूंगा, ठीक है। यह है गाइस त्रियुगी नारायण मंदिर, नहीं लेना है यहाँ का ले सकते हैं। जी हाँ ऐसे लकड़ी ऐसा पार नहीं है। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। आप लोगों ने सुना या देखा होगा कि हरिद्वार के पास में कंकर है। जब वहाँ पे दक्ष प्रजा राजा ने यज्ञ किया तो सारे देवी देवताओं को वहाँ आमंत्रित किया गया, पर भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया तो माता सती बिना बुलाए कि मैं चले गई। जब सती ने देखा कि मैं सब देवताओं का आह्वान हो रहा है और भगवान शंकर का अनादर हो रहा है तो माता सती ने वहाँ यज्ञ कुंड में अपने प्राण उतर दिए। सती ने फिर दोबारा जन्म लिया है पर्वतों के राजा पर्वत राजमाले के यहाँ माता मैना की कोख में पार्वती नाम से। तो त्रेता युग में भगवान शंकर माता पार्वती का शादी इसी स्थान पे भगवान विष्णु को साक्षी करके हुआ है। निकाल देता है वो तो उसके लिए भी क्या होता है। ठीक है ठीक है, डर के आ जाएगा। मैं छोटे से कटे दे दूँ। ठीक मत यार, तो बस आए तो बच्चे के लिए माने जा जाएगा ना। ठीक हां हां, चलो करूं और करूं और करूं और करूं, चला जा आगे बचाना हाथ। यार बारिश भी हो रही है। तो गाइस सीन अभी का ये है, त्रियुगी नारायण टेम्पल से हम निकल चुके हैं एंड वी आर गोइंग बैक टू सोनप्रयाग।
अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सोन प्रयाग। तो भैया ने हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, ये रही स्विफ्ट डिज़ायर जिसने हमारे को लेके गए थे, और भाई का नाम है कमल। तो कमल भैया ने हमारे को 10:30 बजे यहाँ से उठाया था और 1:30 बज रहे हैं, 11:30। 3 घंटे में हम जो है त्रियुगी नारायण घूम फिर के अपना वापस आ गए। अगर हम पैदल जाते हैं तो अब तक पहुँच भी ना पाते। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, अच्छा लगा मिल के आपसे। ठीक है, प्रार्थना करते हैं त्रियुगी नारायण भगवान से, प्रार्थना करते हैं फिर से आप आइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।